देखिए आज हम लोगों को पढ़ना है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है? ठीक है, फिजिकल चेंज में हमारा होता है ऐसा परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ आकृति, आयतन, लंबाई और ऊंचाई, उसकी दूरी या अन्य चीजों में क्या हो, परिवर्तन हो और फिर पुनः उसे उसी स्थान में प्राप्त कर लें। जैसे हमने गुब्बारे को फुलाया और गुब्बारे को क्या कर दिया, फिर उसे प्राप्त कर लिया, तो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे कि हमने इसमें लिखा है चौड़ाई में भी परिवर्तन होता है। जैसे गुब्बारा पहले छोटा हुआ, बड़ा हो गया, उसको दबाएंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी देख सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। फिर क्या कह सकते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। कह सकते हैं यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह एक अस्थायी परिवर्तन, यानी ये अस्थायी नहीं होता है ना। जैसे मान लिया गुब्बारा, पहले हमने गुब्बारे में हल्का सा हवा भरा तो गुब्बारा छोटा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, छोटा दिखाई दिया, और हवा डाला तो और बड़ा दिखाई दिया, तो ये कैसा परिवर्तन था, भौतिक परिवर्तन। कह सकते हैं इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, और क्या होता है, यह क्या होता है, अस्थायी नहीं, यह अस्थायी होता है। जैसे मान लिया हमने बुझे हुए चूने में एक बुझे हुए चूने की प्रकली और एक प्रकली ले लिया, हमने किसका, सिरके का ले लिया है ना, एसिटिक एसिड डाले, उसमें हल्का सा सोडियम डालें और एक कार्क के द्वारा हम उसमें ले जाएं प्रकनली में बुझे हुए चूने का, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, तो हम कह सकते हैं यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, इसको हम करके देख सकते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसे, भौतिक परिवर्तन को, हाँ सही है, नहीं रासायनिक।